नमस्कार, इंडिया टुडे इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, खुश होने का समय आ गया है और जैसा मैंने कहा था आपको कि क्यूवाइब नेटवर्क अपना अभियान जारी रखेगा, आज क्यूवाइब की मुहिम रंग ला रही है और आप सभी एसएसआर वॉरियर का समर्थन जबरदस्त रंग ला रहा है और दोनों के दोनों प्रकरण में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुद्दे पर जो हमारा कैंपेन चल रहा है, दोनों पर हमें सफलता मिल रही है। 31 जुलाई को 12 नंबर पे हम लोगों की याचिका सुनी जाएगी और अब वो याचिका मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस उपाध्याय के कोर्ट में सुनी जाएगी। हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि पिछले 9 महीने में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। हमें वो कौन सी तारीख मिलेगी जिस दिन हमारी याचिका पर सुनवाई होगी। 31 जुलाई को यह तारीख आ गई है और चूंकि अब 12वें नंबर पर हमारी याचिका लगी हुई है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि हमारी सुनवाई जरूर होगी। क्योंकि अगर 10-12 याचिका की भी सुनवाई हुई तो हमारी याचिका का नंबर आ जाएगा। इसके पहले हम लोगों को जो नंबर अलॉट होता था वो 40वें 50वें नंबर पर अलॉट होता था, मतलब वहां तक हियरिंग जाती ही नहीं थी। एक दिन में एक बेंच कितनी याचिका सुन सकती है, 12-15 जाते जाते समय खत्म हो जाता है, बहुत हुआ तो 20 तक, 20 के आगे जाने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए 20 से अधिक का अगर नंबर है याचिका का तो आप समझ लीजिए कि उस दिन उस याचिका का नंबर नहीं आता है। लेकिन 12 नंबर पर हमारी याचिका को लाना इस बात का संकेत है कि 31 जुलाई को यानी कल हमारी सुनवाई जरूर होगी और आप सभी एसएसआर वॉरियर की का जो समर्थन है, जो अनवरत कैंपेन है, ये उसका नतीजा है। हम तो सिर्फ एक माध्यम भर हैं, लेकिन ये खुशी की बात जरूर है। उस याचिका में कल हमारी बात हुई थी एडवोकेट नीलेश ओझा जी से और मैं उनकी बातचीत को आपके सामने रख रहा हूं। वो कल की तैयारी में, जैसा मैंने आपको कहा कि पूरी ताकत से वो लगे हुए हैं। जब हमने उनसे पूछा कि अदालत क्या क्या पूछ सकती है तो उनका पहला जवाब था कि सबसे पहला सवाल तो ये करेंगे कि आप कौन, आप क्यों आए हैं, क्यों ये डिमांड कर रहे हैं। तो उसका हमारे पास समुचित उत्तर है। मैंने उनसे कहा कि क्या आपको याद होगा कि शंकर दयाल शर्मा हमारे यहां राष्ट्रपति थे और शंकर दयाल शर्मा अक्सर कॉमन मैन को के बारे में कहते थे कि आप खुद को जब असहाय या निसहाय समझने लगते हैं तो आपकी एक कमजोरी है, आपको नहीं मालूम है कि संविधान में आपके पास कितने अधिकार हैं। और उनका कहना था कि एक कॉमन मैन इस देश का स्पेशल पुलिस ऑफिसर है और अगर वो कॉमन मैन अदालत का रुख करता है तो स्पेशल लॉ ऑफिसर भी है। ये जरूरी नहीं है कि ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनने के लिए और स्पेशल लॉ ऑफिसर बनने के लिए आपको कानून की डिग्री चाहिए और आप पुलिस में भर्ती हो तभी आपको स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा जाएगा। भारत के संविधान ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, उस अधिकार का अगर कानून सम्मत आपने प्रयोग किया तो आपके अधिकार इतने हैं, उस अधिकार को कोई दबा नहीं सकता। इसलिए यह सवाल तो एक प्रकार से नल एंड वॉइड हो जाएगा जब हमारे एडवोकेट की टीम इस सवाल को कोर्ट में रखेगी।
दूसरा सवाल होगा कि आपने कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग की है, हमारा प्रेयर क्या है? हमारा प्रेयर है कि दिशा सालियान के केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा जाए। सीबीआई से आग्रह किया गया है प्रेयर में कि कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू की जाए, किनके किनकी कस्टडी ली जाए, आदित्य ठाकरे की ली जाए, सूरज पंचोली की ली जाए, डीनो मौर्या की ली जाए, सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा की ली जाए, और इसके अलावा संदीप पिठानी हो, सैमुअल मिरांडा हो, और सब कुछ जानने वाली जादूगर रिया चक्रवर्ती हो, सुशांत का दोस्त संदीप सिंह हो, और तमाम किरदार रिया चक्रवर्ती का भाई शोभित चक्रवर्ती हो, दिशा सालियान का फियांसे रोहन रॉय हो, उनके साथ जितने दोस्त उस दिन पार्टी में शरीक थे दिशा सालियान के फ्लैट 14th फ्लोर पे, उन सब की कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू हो, यह हमारी प्रेयर है। जाहिर है कोर्ट सीबीआई को नोटिस जारी करेगी। एक और प्रेयर है कि मुंबई में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, और यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर किसी ने पुलिस से एफआईआर करने की मांग की है किसी अपराध के सिलसिले में, तो पुलिस को मैक्सिमम 14 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करना पड़ता है, अगर वो मामला बोनाफाइड है तो। अब हमारे प्रेयर पर इंटरवेंशन लगा हुआ है। किनका इंटरवेंशन लगा हुआ है? आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे ने इंटरवेंशन क्या लगाया है कि आप कोई भी आदेश देने के पहले आदित्य ठाकरे को सुन लीजिए। आदित्य ठाकरे क्या कहेंगे? आदित्य ठाकरे कहेंगे कि हमारा तो इस केस से लेना देना नहीं है, तो जब लेना देना नहीं है तो आपने इंटरवेंशन क्यों फाइल किया है? इंटरवेंशन सिर्फ किसी इसी मुद्दे पर कि किसी ने आपका नाम ले लिया है इसलिए आप इंटरवेंशन फाइल कर देंगे? नहीं, आप डर चुके हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका स्पष्ट दिख गया है, और आप कितनी भी कोशिश कर लें इस बात का ओनस अब आपके ऊपर है कि आदित्य ठाकरे ने इंटरवेंशन क्यों फाइल किया है। आदित्य ठाकरे दलील दे सकता है कि वो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित पूर्व मंत्री हैं, तो हमारा जो आर्गुमेंट होगा हमारी तरफ से वो ये होगा कि आप जब सम्मानित मंत्री थे और आपके पिता सम्मानित मुख्यमंत्री थे तो उसके राज में सीसीटीवी फुटेज कहां चला गया? वो एंट्री का जो रजिस्टर है वो कहां गायब हो गया? मलवानी पुलिस का जो फाइल था इन्वेस्टिगेशन का वो कहां गायब हो गया? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसकी क्या कहानी है? एक लड़की नग्नावस्था में 14 मंजिल से कूद जाती है, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ये इन्वेस्टिगेशन किया कि सुसाइड है? तो इनका सम्मान ठह जाएगा, इनका सम्मान इतना अपमान में बदल जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम तो ये चाहते थे कि इन्हें पहले कोर्ट की दहलीज पर लाया जाए, फिर इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब मोबाइल लोकेशन इनके सामने रखा जाएगा ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो नीतीश राणे ने मोबाइल लोकेशन की जो रिकॉर्ड दी है पुलिस को, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। असल में इनकी कवायद इतने दिनों से थी क्या? इनकी कवायद थी कि येन केन प्रकारेण इस पूरे मुद्दे को
अंडर द कारपेट रख दिया जाए और जिंदगी को आगे बढ़ा दिया जाए। हम राजनीति में कैंपेन करने लगे हैं, हम अघाड़ी के साथ मीटिंगों का दौर शुरू करते हैं, कभी राहुल गांधी के साथ, कभी शरद पवार के साथ, कभी लालू के बेटे तेजस्वी यादव के साथ, इन लोगों के साथ बैठकों का दौर शुरू करते हैं। और फिर जिंदगी भूल जाएगी कि 2020 में 8 जून को क्या हुआ और 13 जून को क्या हुआ। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।